तनी भोजपुरिया समाचार में राउर स्वागत बटुए। बड़ा खबर आज भोजपुरिया समाचार बतावे जा रहल बा। रोहतास डीएम तेज तरार डीएम शादी के बंधन में बंधले। कैसे भइल प्यार, कैसे शादी भइल, पहिलका पत्नी भी रही रोहतास डीएम के, का बा माजरा सब बताई भोजपुरिया समाचार। स्क्रीन पर औरा दिख रहल होई शादी के बंधन में कैसे बंधलन रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार। मामला का बटुए सब बताई। पोस्टिंग सासाराम पोस्टिंग के दौरान यह दोनों जाना के बीच नज़दीकी बढ़ल रहे, यानी प्यार बढ़ल रहे। कहल गइल बा कि प्यार पहिलका प्यार आ पहिलका पत्नी कब लोग भुला लाना, लेकिन समय ऐसा हो कि कब केकरा के का करा दी केहू नइखे जानत। प्यार नाम ऐसा चीज हटुए जहाँ हर व्यक्ति के एगो अपन जीवन साथी के जरूरत पड़ेला, जे संग संग चले। लेकिन पहिलका पत्नी से तलाक हो गई धर्मेंद्र कुमार जौन डीएम रोहतास के बानी। काहे तलाक भइल सब बताई भोजपुरिया समाचार। ब्याह के कुछ दृश्य भी रोरा दर्शक लोग के देखाई भोजपुरिया समाचार। भरत शर्मा बड़ा बढ़िया गाना गइले रहन कि जब नैना चार हो गई अचके में प्यार हो गई आ मिले खातिर दिल बेकरार हो गई। ये गाना रहे भरत शर्मा खातिर। पूरा विस्तार से जानी कि डीएम के एसडीएम से कैसे भइल शादी। रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा यानी बीपीएससी अधिकारी अनु पांडे से शादी कर ली। अनु बिहार सरकार के एग्रीकल्चर विभाग में ओएसडी बने। एकरा पहले इनकर तैनाती रोहतासे में रहे। ऑफिस के दौरान ही दोनों जना एक दूसरा से परिचित भय लोग, यानी डीएम साहेब धर्मेंद्र कुमार आई अनु जौन बाड़ी, ई दोनों जना नजदीकिया बढ़ल। ट्रेनिंग खाती आई रही अनु। नजदीकी का बढ़ल, प्यार बढ़ल। यह प्यार बढ़त बढ़त भइल कि काहे ना यह प्यार के शादी के रूप दे दिया। अंत में डीएम साहेब एसडीएम साहिबा दोनों जना 8 मई के झारखंड के पतरातू में 7 फेरा लिहल लोग, जयमाल डालल लोग, जेकर दृश्य बगल में हमार भोजपुरिया समाचार देखा रहल बटुए। बता दी कि रोहतास डीएम जौन बानी पहिलकी पत्नी से यहाँ के तलाक हो चुकल बटुए। धर्मेंद्र कुमार 2013 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। नालंदा जिला के रहे वाला धर्मेंद्र कुमार के पहिलका मेहरारू जिनकर नाम वत्सला सिंह रहे 11 मार्च 2015 के भइल रहे। इनकर पोस्टिंग जब जमुई डीएम के रूप में भइल तो इनकर मेहरारू वत्सला सिंह अपन माई पूजा के साथे डीएम आवास के साथे धरना पे बैठ गए लोग कि डीएम हमरा के साथे ठीक से राखत नहीं खन। तमाम आरोप लगे। पूरा चर्चा के मीडिया में विषय बन रहे कि डीएम के पत्नी ही डीएम आवास के सामने ई धरना पर बैठल बाड़ी। तब जमुई के घटनाक्रम रहे। ई मामला मीडिया में छाई रहल। आखिरकार दोनों जना के यानी धर्मेंद्र कुमार जौन अभी वर्तमान रोहतास डीएम बानी दोनों जना के तलाक हो गई। अब 2021 में धर्मेंद्र कुमार के पोस्टिंग सासाराम के डीएम के रूप में भइल। सासाराम के समरणालय में डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थापित अनु पांडे सिंह पर परिचय हुए जवन ब्याह बाद में प्यार में बदल गए। अनु पांडे बक्सर के सोनबरसा के रहे वाला है। दोनों अपन सहमति से अब शादी के बंधन में बंध गए। अभी प्यार के कहानी भी तनी अनोखा बा। इहो जान ली कि कैसे लोग के प्यार बढ़ल। प्यार बढ़े के पीछे के कहानी जौन बतावल जा रहल बा, जब डीएम साहेब मुख्यमंत्री के आदेश रहे कि रात्रि विश्राम पदाधिकारी लोग के गांव गांव जाके करे के बटु, यही दरम्यान अनु पांडे भी यह रात्रि विश्राम कार्यक्रम में शामिल रहत रही। यह तरीका से नज़दीकी बढ़त गई। यही दौरान रउरा सभे को खबर देखले हो भोजपुरिया समाचार देखले रहे कि डीएम बनले स्पाइडरमैन।
नल जल के जांच करे खातिर नल जल के टंकी पर चढ़ गए। एक बाद अधिकारी लोग के फटकार भी लगैले, जे भी कर्मी रहे कमी रहे ओकरा बाद प्यार के रिश्ता और मजबूत हो गई। ओ घड़ी के फोटो भी भोजपुरिया समाचार देखा रहल बार दर्शक लोग के, तो भोजपुरिया समाचार निहोरा करी कि पूरा कहानी वह जान लेनी कौना तरीका से रोहतास के डीएम शादी के बंधन में बंधलें। ऐसे निहोरा बटुगे कि डीएम के शादी में राउर कमेंट जरूर होके के चाहिए। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब को ली देखला के बाद शेयर जरूर, यानी कि रोहतास के डीएम के बक्सर के रहे वाली बेटी अनु के प्यार भई, प्यार के बाद झारखंड में जाके जय मान। बहुत बहुत धन्यवाद।